खबर। डॉक्टर द्वारा पिता ने ही अपने बेटे के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी की शिकायत पर सेक्टर 29 थाने में रविवार को पॉक्सो एक्ट 10 में मामला दर्ज हुआ है। डॉक्टर की पत्नी और पीड़ित बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत में बताया कि वह पेशे से एक डॉक्टर है, DLF फेज 1 में बेटे के साथ रह रही थी। फिलहाल उन दोनों का तलाक हो चुका था। कोर्ट के आदेश पर वह अपने 13 वर्षीय बेटे को अपने पिता से मिलाने के लिए ले गई थी। बच्चा स्विमिंग पूल में नहा रहा था, उसी दौरान उसके साथ अश्लीलता से हरकत छेड़छाड़ की गई। जब बच्चा डरा सहमा सा बार बार पूछने पर भी वह नहीं बता रहा था कि क्या हो चुका है। आखिर बाद में उसने बताया कि यह घटना 11 जून 2018 की दर्शाई गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां कोर्ट में विचाराधीन है। मां का कहना है कि आरोपी ने बेटे से पहले भी गलत हरकत की थी और यह आरोपी के साथ ऐसे मामले पहले से ही मौजूद थे, तो फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर चुका है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइन की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।